हाथ पे पाँव पे मेरे पास में, खेत पे जाती खेत पे काम करते हुए काट लेता। फर्स्ट बार भी मैं ही हॉस्पिटल ले गया और बार बार ले जाते हैं, अब तो इनको हॉस्पिटल ले जाना ही बंद कर दिया। सांप नाम सुनते ही शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है, हो भी क्यों ना, कई बार तो विषैले सांपों के काटने से बचने बचाने तक का मौका नहीं मिलता और जिंदगी खत्म। लेकिन आज हम आपको चित्तौड़गढ़ की एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कई बार सांप काट चुका है। फर्स्ट बार काटा जब मैं 17 दिन एडमिट रही, उसके बाद हर साल काटने लग गया। काटने के 3 दिन पहले वो नजर आता था, उसके बाद कंटिन्यू 2011 तक काटता रहा। महिला और बाल कल्याण विभाग में बतौर ग्राम सथिन कार्यरत 45 साल की ब्रिजवाला का मकान अब तो पक्का है, लेकिन 1993 के दौरान परिवार सहित कच्चे मकान में रह रही थी। रात को 12:30 बजे काट लिया उसी सांप ने और वापस उसी ने रात भर बिस्तर पे रहा वो सांप। उसके बाद सुबह 4:30 बजे वापस वो बिस्तर से उतर के मुझे काटा, तब जब मैं चिल्लाई जोर से कि ये भी मुझे काट रहा, अब तो इसको पकड़ो, फिर इन्होंने लास्ट में उस सांप को मारा, थैले में पैक किया। पति कृष्ण दत्त तिवारी सहित परिवार के लोग घबरा गए और उसे तत्काल चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल लाया गया और काटने पे गया। मुझे बेहोशी की हालत होती है, उसके बाद जिला मुख्यालय पे एडमिट कराया जाता, एंटीबायोटिक स्नेक लगाए जाते, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता, लेकिन उसका असर 3-4 दिन रहता। हम सभी मोहल्ले से हरकत में परेशान हो जाते हैं, बार बार इनके साथ ऐसा क्यों होता है, बाकी इनके परिवार वालों के साथ भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, केवल ओनली ये भाभी जी ब्रजवाला जी इनके साथ ही बार बार बार, अब शायद अभी 2-5 साल से मेरे भी सुनने में नहीं आ रहा है। वर्ष 2000 से पहले तक आसपास के लोग ही परिवार के लोगों के साथ उसे अस्पताल ले जाते थे। कभी कभी हम सुनते हैं कि आज पता लगा कि उनको सांप ने काट खाया है, तो फिर हमारा दोस्त है इसलिए हम इसको हॉस्पिटल लेके गए। एक बार बाइक पे लेके जा रहे थे तो रास्ते में ऐसा लगा कि ये सोने लगी, तो उसको थपड़े लगा लगा के इसको जगा जगा के हम हॉस्पिटल ले गए, सोने से दिक्कत आती है इसमें, तो और हॉस्पिटल ले गए। एक बार दो बार तीन बार ऐसा हुआ, फिर नॉर्मली धीरे धीरे इनका वो जहर का असर कम होता गया और फिर अब ये बंद भी हो गया, काफी बार तक सामने इनको काट गया। सबसे आश्चर्य की बात ये है कि भले ही ब्रिजवाला अपने बच्चों के बीच सोए, सांप उसे ही काटता था। हम सब परिवार वाले सब इकट्ठे रहते हैं, हमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, बस इसी के आके वो दंग लगा चले जाते हैं और काफी बेचैनी महसूस होती है कि क्या मालूम भविष्य में क्या हो सकता है। करीब करीब 34 बार में यही घटना है और यही दोहराना पड़ता है कि जिला मुख्यालय लेके तत्काल पोजिशन में जाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।